हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कोई किसी भी तरह के नशे के अंदर मुब्तला है, जैसे कि वेपिंग या ड्रिंकिंग या तो ड्रग्स या तो टोबैको च्यूइंग, कोई भी तरह का नशा आप करते हो और अगर आपने सोचा है कि भाई ये बहुत हो गया, अब ये मेरे शरीर को तकलीफ दे रहा है, मुझे इसको छोड़ना है, पर आप छोड़ नहीं पा रहे हो। छोड़ इसीलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि इसके अंदर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। मानो कि जैसे हमने कुछ चीजों का सेवन करना शुरू कर दिया तो वो जो चीज हमारे बॉडी में जा रही थी वो बहुत ही एडिक्टिव थी। एडिक्टिव मतलब कि वो खिंचाव करती है, वापस अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि उसका एक नेचर है खींचना। तो वो खिंचाव जब हमें फील होता है तब हम अगर छोड़ना भी चाहे तो हमारी बॉडी में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है कि बस रहा नहीं जाता। दिमाग में साइकोलॉजिकली कुछ ऐसा नशा होता है कि मतलब बस चाहिए, एक बार कर लूँ, एक बार कर लूँ। तो इसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स बॉडी में जैसे घुटनों में दर्द, हड्डियों में दर्द, पेट साफ ना होना, दिमाग के अंदर बहुत ही घबराहट, बेचैनी, ऐसे बहुत ज्यादा अलग अलग लोगों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। मेरा आज का वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि जब विड्रॉवल्स होते हैं ना तो वो लोगों को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि इंसान सोचने लगता है कि भाई अभी ये मेरे बॉडी को क्या हो गया, अभी मेरे घुटने गए, मेरे हड्डियां गई, तो मैं मतलब कर लूं एक बार बस, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा, ये घबराहट मुझे छोड़ेगी नहीं। तो ये डर की वजह से हम वापस जीरो पे चले जाते हैं। अगर एक बार भी आपने किया तो आप जीरो पे चले गए, ठीक है। तो अभी इसको कुछ इस तरह से समझे कि एक एनालॉजी देती हूं आपको कि जैसे हमारा बच्चा छोटा होता है और वो खाना नहीं खाता है और हम उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेटा बुड्ढा मैन आ जाएगा, जल्दी से मुंह खोलो, देखो पुलिस आ जाएगी, देखो ये शेर आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि वो बच्चा खाना खा ले डर के मारे। एक्चुअली में ना कोई बुड्ढा मैन होता है ना कोई पुलिस होती है, ठीक है, लेकिन हमारा मकसद होता है कि वो बच्चा खाना खा ले। तो सिमिलरली जब आप कोई भी तरह का नशा छोड़ोगे ना तो वो नशा क्या करेगा, आकर्षित करने के लिए ये बॉडी और ये माइंड, ये दोनों चीजों में कुछ कुछ ड्रामा करके बताएगा आपको, जैसे कि इतना दर्द हो रहा है कि सहन नहीं हो रहा है मैम। तो ये दर्द से कुछ आप मर नहीं जाने वाले हो, कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ एक ड्रामा है। क्योंकि अगर ये बॉडी ड्रामा नहीं करेगी तो आप वापस उस तरीके की चीजों का सेवन नहीं करोगे, राइट। और जैसे कोई इंसान टोबैको च्यूइंग करता है, उनको बॉडीली तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यहाँ साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा ये वाला पार्ट ड्रामा करता है। और जब बहुत हैवी ड्रग्स लेते हैं तो पूरा शरीर और मन दोनों ड्रामा करता है। तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो ये जो है ना वो एक पीक तक बहुत ज्यादा होगा, फिर वो ऐसे शांत होकर वापस नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चा भी समझने लगता है कि मम्मी मुझे उल्लू बना रही है, यहाँ कोई बुड्ढा मैन नहीं है, तो फिर वो खाना नहीं खाता, वो अपनी ही चॉइस से खाता है, उसको जब भी खाना है तभी खाता है, जब तक वो उल्लू बन रहा है तब तक वो खा रहा है। तो सिमिलरली यही चीज को आप इस नजरिए से देखें कि बॉडी में कुछ भी नहीं होगा, आपके बॉडी बहुत अच्छी है, सॉरी माइंड बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ ये ड्रामा है आपको उस तरफ ले जाने के लिए। अभी विड्रॉल सिम्टम्स बहुत जबरदस्त हो भी सकते हैं जो हम सहन नहीं कर पाए, उसके लिए मेडिसिन्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो आपको मेडिसिन्स देंगे, जो बॉडी में आपको तकलीफ हो रही है वो नहीं होगी, है ना। लेकिन छोटा मोटा यहाँ का जो ड्रामा है ना वो हमें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक वीक, दो वीक या किसी किसी को मैक्सिमम तीन वीक रहेगा, फिर वो नीचे चला जाएगा। बस एक आपसे हाथ जोड़कर विनंती है कि अगर आप इस जंग के अंदर अपने आप को अकेला मत समझिए, या तो कोई आपका भाई बहन अगर इसके अंदर है तो उसको अकेलापन मत फील करने दीजिए, हम आपके साथ हैं। बस एक एक चाहत चाहिए कि हमें इससे बाहर आना है। कैसे आना है, बहुत सारे तरीके हैं।
ठीक है। तो जरा भी दिल छोटा मत करिए, घबराइएगा नहीं, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, सबको होंगे, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, वो नेचर है वो चीज का जो आपके शरीर में जा रही है, दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड होप दिस हेल्प्स।